हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस के बारे में, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में आज अपना सब पहला पार्ट है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं, उनके मात्रक होते हैं, और उनके बारे में जानेंगे। कितनी इनकी कितनी क्या कुछ शाखाएँ होती है, उन सब के बारे में अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, और साथ में वीडियो को पूरा वॉच करना। पूरा वॉच करेंगे तभी आप अपने आप को जान पाएंगे कि आप इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कितना क्या नॉलेज रखते हैं, और मैं आपको कितना क्या नॉलेज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अंत तक वीडियो के अंत तक बने बने रहिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक करना, और साथ में अपना कोई भी क्वेरी रहती तो मुझे मैसेज बॉक्स में अवश्य पिन करके बताना कि अभी क्या क्वेरीज है, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं आज आप अपने फर्स्ट क्यू अपने फर्स्ट पार्ट की ओर। अपना फर्स्ट पार्ट है कि इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, कहने को भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके बारे में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वो क्या होती है? भौतिक विज्ञान होती है। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत तो अपन बात करें तो जो नाभिक के अंतर्गत अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, जो प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन, सभी उन सबके से लेकर खगोलीय पिंडों तक का, यानी कि खगोल जो अंतरिक्ष है उनके अंदर जितने पिंड मौजूद, अपने अपना जो खगोल है उसके अंदर जितने पिंड मौजूद हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है, वो कौन होती है? भौतिक विज्ञान होती है। और इसीलिए इस सगे के अत्यंत सरल अध्ययन की वजह से ही जो भौतिक विज्ञान है उसको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। उनमें सबसे पहली है वो है यांत्रिकी, जिसको अपन मैकेनिक्स के रूप में जानते हैं। तो विज्ञान की यह विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो न्यूटन द्वारा न्यूटन ने अपने गति के जो तीन नियम दिए थे उनका, और साथ में जो गुरुत्वीय जो ग्रेविटेशनल त्वरण होता है उसका, उस पर आधारित होती है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत अपन बात करें फ्रेंड, तो इसके अंतर्गत जो पिंडों की साम्यावस्था होती है, जितने भी जो खगोलीय पिंड है उनकी जो साम्यावस्था होती है, उनकी एक फिक्स स्टेज होती है, उनका उनकी गति का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होती है? यांत्रिकी होती है, जिसको मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। और इस शाखा के अंतर्गत बात करें तो इस शाखा के अंदर जैसे द्रव्यमान है, बल, ऊर्जा, शक्ति, बलाघूर्ण, सरफेस टेंशन, इन सबकी फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन किया जाता है, उनकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है वो है, उसमें से पहली है तो अपने दूसरे नंबर की है, वो क्या है? ऊष्मा गति की, यानी कि इसको अपन थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। और ऊष्मा गति की बात करें तो विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जो ऊष्मा की प्रवाह की दिशा होती है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, ऊष्मा किस तरह से कार्य कर रही है, उसको उसका किस तरह से उसका ट्रांसफर हो रहा है, उन सब के अंतर्गत उनके उनके द्वारा जो निकलने वाली जो आंतरिक एनर्जी है, वो आंतरिक जो तापीय ऊर्जा है और उसकी एंट्रोपी का अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड, और इसके साथ साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रसिद्ध की क्या क्रियाविधि होती है उसकी भी व्याख्या की जाती है, तो वो क्या होती है? थर्मो डायनेमिक्स होती है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो वो है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी इसको ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस शाखा के अंतर्गत अपन बात करें फ्रेंड, तो इस शाखा के अंदर प्रकाश पर आधारित जितनी भी घड़ी परिघटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन, विवर्तन, व्युत्करण, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि, इन सब का, इन शब्द के पर डिटेल से एनालिसिस किया जाता है प्रकाशिकी के अंतर्गत। इसके साथ में इसके अंदर जो आकाश के अंदर जो बारिश के मौसम के समय जो इंद्रधनुष बनता है उसके बारे में उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ जो साबुन के बुलबुले जो पतली परत के रूप में होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, उन कलर के बारे में कि वो क्यों बनते हैं, किस कारण से बनते हैं, उनके बारे में, साथ ही जो सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, इन सब का अध्ययन किया जाता है, वो कौन होती है? प्रकाशिकी होती है, जो भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत इन सब क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करें वो है वैद्युत गति की, जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम जानता है, इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस शाखा के अंतर्गत अपन बात करें तो इस शाखा के अंतर्गत आवेश तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विज्ञान की यह वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका साथ में जितने भी चुंबकित वस्तुएं होती है, जो मैग्नीफाइड वस्तुएं होती हैं, उन सब का संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी शाखा होती है? विज्ञान की वैद्युत गति की, जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। और इसी शाखा के आधार पर जो मूल नियम थे उनका प्रतिपादन करने वाले कौन थे? गॉस, एम्पियर और फैराडे थे, जिन्होंने इसका शाखा किया। और इस इनके द्वारा जो ये नियम प्रतिपादित किए गए, जो वैद्युत गति की है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, उसके जो नियम प्रतिपादित किए गए थे, उन नियमों के आधार पर ही जो मैक्सवेल थे उन्होंने चुंबकीय तरंग सिद्धांत चरम की व्याख्या की थी। और उसके आधार पर उन्होंने अपने चार इन नियमों के संयोग से अपने चार समीकरण दी, और इन समीकरण के आधार पर उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या की थी। ओके, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी, जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। और न्यूक्लियर फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें नाभिकीय द्वारा जो रेडियो सक्रिय विकिरण्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा, उनके उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। इनकी तो नाभिकीय भौतिकी होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो रेडियो सक्रिय विकिरण्स होती हैं, जो रेडियो सक्रिय विकिरण जैसे अल्फा बीटा गामा, ये सारी उनके उत्सर्जन की वो किस तरह से अपने आप को उत्सर्जित करती है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। सर, तो वही बात करें अपन नाभिक विखंडन की, तो नाभिक विखंडन वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत कोई भी एक भारी नाभिक होता है वो टूट कर और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। साथ में नाभिक संलयन क्रिया जिसके अंतर्गत एक भारी जो हल्के जो दो भी जो भी दो हल्के नाभिक होते हैं उनकी मिलन से एक भारी नाभिक का निर्माण में जो ऊर्जा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इन सब के निर्माण में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी होती है? न्यूक्लियर फिजिक्स होती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो द्रव्य जो पदार्थ होता है, पदार्थ का संगठक रूप, यानी कि उसका संगठक रूप से कौन कौन से उसमें उसके घटक पाए जाते हैं, उनका उनकी संरचना का, और जो मूल कण होते हैं उन मूल कणों के लक्ष्य और उनके द्वारा जो जितने भी परस्पर क्रियाएँ की जाती हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी होती है? क्वांटम मैकेनिक्स होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की अपन बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज वे राशियाँ होती हैं जिनका कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ किसी ना किसी भौतिक परिघटना के साथ संबंध स्थापित होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और ये वे राशियाँ होती हैं जो किसी ना किसी यंत्र की सहायता से मापी जाती हैं। जैसे अपन बात करें वॉल्यूम द्रव्यमान की, मास की बात करें, तो द्रव्यमान होता है उसको अपन तुलना के माध्यम से, जो भौतिक तुलना होती है उसके द्वारा अपन माप सकते हैं। जैसे अपन बात कोई भी अपने सामने, जैसे अपन मार्केट में जाते हैं बनिए के पास आके चीनी लेके आते हैं, तो अपन ये थोड़ी कहते हैं कि द्रव्यमान चीनी देना, अपन उसको ये तो उसके उसका जो उसका एक फिक्स स्टेज उसकी जो फॉर्मूला होता है, अपन कहेंगे 1 kg चीनी देना, तो वो उसको क्या करेगा, वो 1 kg चीनी को क्या एक तुला के जरिए मापता है। तो वो जो जिस जितना उस तुला के अंदर वो उस वे, उसकी वेट को मापेगा, वो क्या होता है, इसका एक फिक्स द्रव्यमान होता है कि जो 1 kg है वो एक फिक्स द्रव्यमान है। केजी क्या हो गया? केजी उसकी यूनिट हो गई, उसकी इकाई हो गई, उसका मात्रक हो गया। इस तरह बात गुरुत्वीय त्वरण की, तो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको सरल लोलक की सहायता से मापा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फंडामेंटल है जो डेराइव्ड यूनिट क्वांटिटीज होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि जो मूल और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो फ्रेंड जो मूल है व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे के रूप में क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें क्या कहता है, मूल राशियाँ कहते हैं। और मूल राशियाँ होती हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, ताप, विद्युत ऊर्जा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सारे क्या किसके अंतर्गत आती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत आती हैं। ओके, बात कर जैसे अपन बात करते हैं मूल राशियों के इनसे संबंधित मात्रों को अपन क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और जैसे अपन बात जो विद्युत धारा होती है कोई भी चुंबकत्व के में जो विद्युत धारा होती है उसके मात्रक को अपन एम्पियर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता को कैंडिला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लंबाई होती है उसको एल से एल, यानी कि उसको
मीटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, द्रव्यमान होता है उसको आयतन केजी में रिप्रेजेंट किया जाता है, समय को उस टी के द्वारा सेकेंड घंटा मिनट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ताप होता है उसको टेम्परेचर केल्विन केल्विन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट इन सब में रिप्रेजेंट किया जाता है। और तो इस तरह से अपन जान पाते कि मूल मात्रक या मूल राशियाँ क्या होती हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होता है व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है फ्रेंड्स, ये वो राशियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली क्वांटिटीज़ होती है वो कौन सी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके, जैसे क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, आयतन है, दाब है, चाल है, जो तो ये सारी क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ होती है। अब अपन जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। तो इनमें जो सबसे पहला बात करते हैं वो है आयतन का, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है फिर वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ओके, घनत्व वर्ग का क्षेत्रफल बात करें तो वर्ग का होता है पाई गुना त्रिज्या का होल स्क्वायर होता है। इस तरह बात करें घनत्व, तो घनत्व का होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। त्वरण का होता है वेग गुणा वेग परिवर्तन बटे समय। संवेग का मात्रक होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। दाब का होता है बल गुणा क्षेत्रफल। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। और शक्ति का होता है कार्य बटे समय। इस तरह बात करें अपन बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण को अपन बल गुणा लंबाई, लंबो तो दूरी होती है ना कि बल के साथ में उसकी जो लंबो तो उसने कितनी दूरी तय की है उसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा अपने को बल आघूर्ण प्राप्त होता है। ओके, आवेग की बात करें तो आवेग का होता है बल गुणा समय। कोण का होता है चाप बटे त्रिज्या। और सौर नियतांक का होता है ऊर्जा, जिसको क्षेत्रफल जो उसका जो एरिया है, कहने का जो सौर नियतांक उसका जो एरिया उसको अपन समय के साथ में गुणा करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी ऊर्जा निकलती है, वो कहते हैं सौर नियतांक होता है। ओके, बात करें अब इनके मात्रक के बारे में अपन जाने तो अपन जैसे बात करें जो दूरी होती है, दूरी का मात्रक होता है मीटर होता है, समय का किलोग्राम जो सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ताप का केल्विन होता है, बात करें कैंडल जिसको ज्योति तीव्रता होता है उसका कैंडिला होता है। तो इस तरह से इनके डिफरेंट डिफरेंट मात्रक होते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। जब बल आघूर्ण की बात करें, संवेग की बात करें, संवेग का किलोमीटर किलोग्राम है मीटर पर सेकंड होता है, दाब का पास्कल होता है। शक्ति की बात करें तो शक्ति का होता है वॉट होता है। जो डियर फ्रेंड्स आपको मैं डिटेल से आपकी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली उसमें पढ़ाऊंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, क्या वाकई में आपको लगता है वीडियो आप किसी फैमिली मेंबर या आप किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में है उसमें इसको शेयर कीजिए। और साथ में अगर आपको वाकई में लगता है कि वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन बटन जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें।